कई जने वंशु के बाबत पूछ रहे थे जी, वंशु मेरी ही बेटी है, मैंने कई बार आपने बता लिया है, तो लोग ना तो खटखट लिखण ते भी प्रॉब्लम है कि भी क्यों लिखो हो, हालांकि मेरा गांव का भी। राम राम जी सब नए, थारा सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद करो तुम सारे ठीक हो गए, ना हो गए तो उन्हें देख के हो जी हो, और जो भी हमारे चैनल बने आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लियो। होगी है शुरुआत सुबह की, और मैं कुछ खाऊं पीऊंगी। आज फिर सुबह हम भाई ने बहर दो बहर ले आए हैं, और सुबह का सूरज दिखाने चिरकुट सोया पड़े, इसने कोई मतलब नहीं है, एक यार दुखी आत्मा है। क्यों रहता है ना, क्या दुख है नो, क्यों रहे तेरे वंशों के पीछे कुत्ते लाग ओ आ गया आज दूध लेने का था, मैं दूध ले आया, आज बहुत लेट दूध दिया उन्होंने, कटड़ो कुटड़ो के हो रहा था, लेट दूध दिया जो कपड़े धोए थे आज, फिर ऊपर कपड़े सूखने का है, बहुत सारे कपड़े थे आज भी, बहुत हो चुके थे आज, सारे कपड़े सुखा दिए, और एक बैक बोर्ड ले आऊँ, ये और अपने किले में स्प्रे वाला लग रहा, स्प्रे करा जीरे भाई। पूजा का खाना दिया है, पूजा देवी खाना खा ले अपन, छोड़ दो मेरी चाह तो नहीं, इसमें शाम बचगी गर्म पानी। मैंने एक बार बाहर काम जाना था, और पूजा ने कही है वो फड़ थे हमारे एक की आवाज सी पाट रही थी बहुत ही ज्यादा, मतलब चरड़ चरड़ ज्यादा ही आती उसमें, तो एक भैया दिखा कर ले, और कुछ मैंने सामान लेकर आना वो लेकर आऊं। आज लगभग दुकान बंद है सारी, मैंने याद नहीं रहा, संडे है, सारी दुकान बंद है, एक दुकान बताई उस पर जाकर देखो, बहुत सी दुकान बंद बताई, एक भी दुकान नहीं खुली हुई आज, संडे है, इतना फोन करे वो भी ना बोले कल ही ले आई है दुकान तक, ऊपर आवाज ऐसे बाहर जा रहा, चलो कोई कल ले आना पड़ा गया, जाना सिन्नी मंगाई थी, फिर मैंने चावल भी दी थी, चावल भी ले आए पर, और तो बाकी सारी मार्केट में क्या दी वो मार्ट है इस पर, तो चल रहा है जिगर आ गया सामान लेकर, पूजा थोड़ी डाउन सो रही है तबीयत, क्योंकि दो तीन रात हो गई लगातार है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई उसने सोन नहीं दे रहा, दिन में उसने नींद मुश्किल आवा आवा, फिर वो भाई फिर राख तो हम भी लेना, पर वो दूध मंगा बार बार जाता, फिर आज उसकी तबीयत थोड़ी डाउन सी हो रही, गेट खोल ले। हाँ देवी क्यों है तबीयत डाउन हो रही, क्या बात हो गई? कुछ नहीं, नींद पूरी कर लूंगी मेरी। तू नहीं कर सो जा, तो तू एक दिन एक पूरा रात हो जैठा लाल लिखा कर, मैं सीधा परसों उठूंगा। आज की रात पूरा सोऊंगा, कल पूरा दिन पर पूरी रात सीधा परसों उठूंगा। ओके कर ले तेरे को तू, और तू सोन लाग जा फिर देख उसके झपट्टे से, जब मैंने नींद आवे ना गिरली उठ जाए, पहले मैंने नींद को नहीं आती यार, जब नींद है मेरी गिरली खुल जाए मेरा सब कुछ गर्म आवाज हो तो। अयो टीवी क्या चला रही बिस्कुट खा तुम, तू भी हम भी अपनी चाह पी लिया, दूध पत्ती दे हम काली पीली चाह पी, फर्क देख टाइम हो गया रोटी, आज हमने आलू बनाए हैं या सिम्मी बनाई है पूजा खातर, तो थोड़ी एक्स्ट्रा बनाई थी उसी ना हमने भी खा लेंगे, तो पूजा अंदर खाने लग रही, मैं और बाहर खाना खाऊंगा थोड़ी देर में, मिला हूँ अपने पूजा तक। रात के हो गए हैं जिस 9:30, और ये फैमिली सोने की तैयारी, फिर मैं सोचा चलो लास्ट में व्लॉग की थोड़ी सी क्लिप लेती हूँ और देऊंगी आपके सवाल का जवाब। कई जने बार बार कमेंट कर रहे थे कि लव मैरिज क्यों करी थी पहले आई पी लिए कि सोचो हो नो सोचो हो, पहली बात तुम्हारी खुद की मर्जी है कि हम लव मैरिज करें अरेंज करें, तो हमने तो कोई चीज़ से लेना देना होगा नहीं मेरे ख्याल से,
जो अच्छे कमेंट करने वाले में भी तो अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, किसी तरह मतलब भरोसा दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लेकिन कई हम का दिमाग में कीड़ा रहा है कभी कि बोलो मैरिज करिए, फलाना क्यों करा, दिगड़ा क्यों करा। वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है कि हमने के करा के ना करा, हमारे घर के क्यों आंदे जाते को नहीं, हमारे घर के अगले क्यों को नहीं बात कर दे, और हमारा आना जाना है या नहीं है, वो हमारी खुद की प्रॉब्लम है। बता था हमने के लेना खाम खा, जिसने जो देख के जड़ा है वही नेगेटिव कमेंट करके जा, मैंने इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, उन तक कुछ सीख लिया करो, जो अच्छे कमेंट करे हैं उनने पढ़ गए, कम से कम थोड़ा बहुत तरह दिमाग शांत हो जाएगा कोई चीज़ में, कोई खुशी में, कोई अच्छा कमेंट करना तो दूर की बात, बुरे बुरे कमेंट। कई जने वंशु के बाबत पूछ रहे थे जी, वंशु मेरी ही बेटी है, मैंने कई बार आपको बता लिया है और मैं ये भी बताने लग रही हूँ, वंशु मेरी ही बेटी है, बार बार आप ये सवाल मत पूछा करो, कई बार मैंने आपको बता लिया है कि वंशु मेरी बेटी है। और दूसरी बात, आप मैंने ये बताओ कि आप मेरा व्लॉग कहाँ आता देखने लग रहे हो, कौन सी जगह था, कौन से गांव था, कौन से शहर था, कौन से जिले था, कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन से शहर था आप मेरा व्लॉग देखने लग रहे हो। और दूसरी बात, हमारे घर में छठी है, 2-4 दिन के बाद भाई की छठी को आएंगे हम, आप सारे इन्वाइट हो, जरूर आ जाइयो, ठीक है, बुला ला भाई नु का बुला लो घरा वरा का बुला लो, सबको बुला लो, भाई तो सो गया है और मैं भी सोऊंगी, और कई बाणू को मैं आपका पीढ़िया लेकर आऊँगी, मैं आपका पीढ़िया लेकर आऊँगी, ना बाणा ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये तो कोई एक मोमेंट हो है, इंसान थोड़ा दुखी हो जाए वो हो जाए, आपने कह दी तो मेरा पीढ़िया आ गया, वो ये सब तो बड़ा सारा आशीर्वाद है और इतना प्यार है जो तुम इतने अच्छे अच्छे कमेंट में इतना ज़्यादा सांत्वना दे हो, इतना ज़्यादा प्यार दे हो, वही मेरी खातर सब तो बड़ी बात है और वही मेरी खातर पी लिया है। कई बार उन्होंने कहा कर भाई सगे तो काम नहीं आते हैं, दूसरा ही कोई काम है, जब वो इतना अपनापन दिखाता है जो कभी सोचा भी नहीं होता, तो आजकल ये बात इतनी वो टेंशन लेने वाली है को नहीं, तो हम इतना सपोर्ट कर रहे हो वही मेरे खातर सब तो बड़ी बात है। तो हम लोग ने लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट करा करो और चैनल ने सब्सक्राइब करा करो, वंशु का बता दिया, वंशु हमारी गुड़िया है, बाकी जो काफ़ी स्टोरी हैं, काफ़ी बात हैं जो आप तक बतानी है, जो सस्पेंस है वो आप तक हम बताऊँगे, जल्दी क्लियर करेंगे, थोड़ा सा एक बार इस कार्य से निमट लें, फिर बैठ कर एक दिन अच्छे तरह बताऊँगे, सारी डिटेल क्लियर करेंगे, इमोशनल मोमेंट है, एकदम नहीं बताई जाऊँगी वो चीज़, क्योंकि जितनी आसान जिंदगी कई बार दिखा है ना, उन्होंने लगा भी यू बंदा बड़ा खुश है, बड़ा बढ़िया है, यो बड़ा मजे ले रहा है, वह चीज़ आपने कई बार दिखा है वह होंगी को नहीं, उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा टेंशन भरी जिंदगी गई हुई हो है, चलो एक तो सब अच्छा है, उससे पहला बहुत बुरा टाइम था जो काटा है, बड़ी मुश्किल था वो निकला था, तो वो उस दोबारा उस फेज में जाना एकदम वो टेंशन है, पूजा खटकड़ वही बोली बड़ी हाँ बहुत, तो लोगों ने तो खटखड़ लिखण तक भी प्रॉब्लम है कि भी क्यों लिखो हो, हालांकि मेरा गांव का भी नाम है और मेरा गोत भी है, तो जाए तो मैं लिखूँ हूँ, तो इसलिए पूजा खटखड़ के बढ़ने के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, वो आप तो बताऊँगे, शेयर करेंगे, बस आप तो ये रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहो, और वो लोग ने लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, और इंस्टा पे भी जाकर अपनी वीडियो जरूर देखा करो, लाइक करा करो, शेयर करा करो, और जो सी भी बहन हैं मतलब जो नू अकेली रहे हैं अपने घर के अगला आना जाना को नहीं, उन्हें भी मैं तुम्हें कहूँ उन्हें भी सपोर्ट करा करो सब, और कोई भी है ना मतलब आपस में सपोर्ट तो ये सब कुछ हुआ है, नू नहीं सोचा करो भी या अपने घर आँधी जाती को नहीं तो इसलिए बैर लगा लो, या फिर सबकी एक अलग कहानी हुआ है, और आजकल तो अरेंज मैरिज में भी बुरा हाल हो रहा है, बहुत सारी लेडीज़ कमेंट कर रहे हैं बता रहे हैं कभी मेरी सास ने मेरा जापा नहीं काटा, मेरी सास आँधी जाती को नहीं, मेरी सास ने कुछ दिया नहीं, मेरी ननद ऐसी है फलाना दिगड़ा, उनके इतने दुख बता रहे हैं कमेंट्स में, हमने सोचा हम बहुत बढ़िया हैं उनते, तो एक तो बताओ थी उसकी सी सेक्शन हुई थी और उसके बाद भी ना खुद ही मैनेज करा होता है, हाँ सी सेक्शन डिलीवरी के बाद भी खुद मैनेज करा उसके हस्बैंड ने, यार उसने खुद ने मैनेज करा, किसी ने सास ननद ने हेल्प नहीं करी, तो इसलिए मैरिज अरेंज है या लव है या बात मैटर नहीं करती, आपके रिश्ते या रिश्ते किसे हैं आपके आपकी फैमिली के साथ या आपके हस्बैंड के साथ या बात ज़्यादा मैटर करे है, तो बस मैं तो यह करूँगी खुश रहा करो और खुश रहने दिया करो दूसरे ने भी, अगर कोई दुख अगर मान लें मैं ही दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, तो आप अच्छा कमेंट करोगे तो उससे मैंने बहुत हौसला मिलेगा कि कोई तो मेरे साथ है, अगर आप उसमें उल्टा कमेंट घसेड़ोगे तो थोड़ा और टेंशन हो जाएगी ना, तो बस यही बात है, तो आड़े बातें ख़त्म करेंगे और मिलेंगे अगले व्लॉग में, राम राम।